सितंबर 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे और प्रदर्शन पर एक नया खुलासा हुआ है। 21 सितंबर 2017 को बीएचयू में छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ छात्राओं ने आंदोलन किया था, लेकिन अचानक ये आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसा की जांच के लिए बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीएचयू में हुई हिंसा की घटनाएं सुनियोजित थी। जस्टिस वी के दीक्षित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 22 और 23 सितंबर 2017 को बीएचयू में हुई हिंसा की घटनाएं सुनियोजित थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में थे, इसीलिए कुछ बाहरी लोगों ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए बीएचयू की छवि धूमिल करने की कोशिश की। छात्रों के आंदोलन की आड़ में बाहरी लोगों ने बीएचयू की गरिमा को कमजोर करने की कोशिश की। रिपोर्ट में ये तथ्य भी सामने आया है कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक और असामाजिक तत्व शामिल हो गए और उन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रदर्शन को गलत दिशा में मोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीएचयू में पूरी घटना का राजनीतिकरण 22 सितंबर 2017 से शुरू हो गया था। इस आंदोलन में कुछ राजनीतिक दल के सदस्य, एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोग और दूसरे विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र शामिल थे और छात्रों को अपने भाषण के जरिए उत्तेजित कर रहे थे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीएचयू में छात्रों को भड़काने में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा के नेता सुनील यादव और जेएनयू के पूर्व छात्र मृत्युंजय सिंह शामिल थे। तो रिपोर्ट में एक चश्मदीद छात्र का बयान भी दर्ज है। उस छात्र ने अपने बयान में कहा है कि इस दौरान बाहरी प्रदर्शनकारी आजादी के नारे लगा रहे थे, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बातें हो रही थी, यानी कि जो नारे दिल्ली में जेएनयू के कैंपस में लगे थे वही नारे बीएचयू में भी दोहराए जा रहे थे, यानी जानबूझकर बीएचयू का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। तस्वीरें 7 महीने पुरानी हैं। सितंबर 2017 में 2 दिनों तक बीएचयू जलता रहा। तोड़फोड़, आगजनी और प्रदर्शन, यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तस्वीर बन गई थी। आरोप लगे कि बीएचयू में एक छात्रा से छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। देखते ही देखते यह आंदोलन हिंसक हो गया था। तब विश्वविद्यालय के वीसी समेत छात्र भी बता रहे थे कि बाहरी साजिश है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस वक्त जी न्यूज ने इन छात्राओं के बयान आपको दिखाए थे। बहुत सारी लड़कियां आई थी और पहली बार कैंपस में ऐसा हुआ था कितनी सारी लड़कियां बाहर रहीं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो हम लोग चीज़ कर रहे हैं इसको कोई एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। बट एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी साथ साथ में चल रहा था कुछ लोगों का, और क्योंकि हमें डाउट हो रहा था कि वो बाहर से हैं, बट उन्होंने बिल्कुल भी डिनाई कर दिया बताने के लिए। उन्होंने बोला यू डोंट हैव राइट टू आस्क मी दिस थिंग। और एक और लड़की से जब कुछ लड़कों ने पूछा, क्योंकि वो सब सारे लड़कों से लड़ रही थी, कि आप अच्छा एक बात बताइए इस कैंपस से हैं या कहाँ से हैं, तो वो एकदम डर गई और पीछे चली गई। ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि आखिर वहाँ पे पेट्रोल, क्योंकि हमारा जो आंदोलन था बहुत पीसफुल था, हम लड़कियाँ तो बहुत पीसफुली बैठे थे। पहले लड़कों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर कुछ कुछ लोग आए, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने कभी इमेजिन नहीं की थी कि महामना जी के साथ ऐसा होगा और बीएचयू पर इस तरीके का अनसेफ भी। महामना जी की मूर्ति पर भी कालिख पोतने की कोशिश की गई पता चला। हाँ, मैं उस समय मैं देखिए फर्स्ट डे सुबह 6 बजे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मैं रात के 3 बजे तक वहीं थी, और मुझे 12-1 बजे ही ये फील होने लगा था कि कुछ लोग इसको मतलब बहुत ही गलत तरीके से ले जा रहे हैं, जिस तरीके की वहाँ चीज़ें हो रही थी। मेरी रूममेट भी बोल रही थी कि देख तूने ये सही कॉज के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन अब तो तेरा यूज़ हो रहा है और इन लड़कियों का भी यूज़ हो रहा है। मैं बहुत से लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें ये स्नैच करना है इन लोगों से। यानी बीएचयू में पढ़ने वाले छात्रों को पहले से ही यह पता था कि उनका शांतिपूर्ण आंदोलन हाईजैक हो चुका है और बाहरी तत्व विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं।
इसमें वो कौन लोग आ गए जिन्होंने आग लगाई, पेट्रोल बम फेंके, क्या आप लोग भी ऐसी चीजें कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। ये जो मतलब पहले तो स्टार्टिंग में जो हमने शांतिपुर धरना किया था वो तो हम लोगों के द्वारा किया, मतलब इसमें मेनली हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बीएचयू के अदर्स हॉस्टल के लोग थे जिनके साथ ये मतलब हुआ है। लेकिन इसको पॉलिटिक्स के रूप में दिया जा रहा है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। इस घटना की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट में इन बयानों पर मुहर लगी है। रिपोर्ट आने के बाद अब बीएचयू के तत्कालीन वीसी गिरीश चंद त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। उस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने वे सब कदम उठाए जो विश्वविद्यालय उठा सकता था। जो भी निष्पक्ष लोग हैं काशी में और काशी के बाहर, वे सब जानते थे कि वह घटना क्या है और उसमें विश्वविद्यालय की भूमिका क्या हो सकती थी और क्या रही। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोगों ने दुर्भावनावश उस घटना का राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया। और जहां तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रश्न है, वह पूरी तरह से पहले भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। इस रिपोर्ट में जिन बाहरी लोगों का जिक्र किया गया है, हमने उनसे भी बात की। सभी लोग अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। मैं तो गया ही नहीं पूरे आंदोलन के दौरान, लेकिन फिर भी मैं योगी जी की सरकार को और उनकी पूरी जांच टीम को ये कहना चाहता हूं, आपने फर्जी रिपोर्ट ही तैयार की। मुझे प्रसन्नता है कि उस फर्जी रिपोर्ट में आपने मेरा नाम डाला है, और अगर आपने मेरा नाम डाला है तो कम से कम उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई ये सरकार किस तरह से दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम करती है। मुझे पहले भी कई फ़ोन आया और बोला गया कि आपने उत्तेजित किया है। मेरी बहन पढ़ती है बीएचयू में, पीएचडी कर रही है, वो भी संस्कृत डिपार्टमेंट से। तो जब मैंने वहाँ पे मोलेस्टेशन की खबर सुनी, मैं पहुँचा वहाँ पे, बहन से बात करी, और कोई उत्तेजित नहीं किया गया किसी को। लड़कियाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, हम लोग उनका साथ दे रहे थे क्योंकि मेरी बहन है वहाँ पे। उसके बाद लोग कह रहे हैं बीएचयू का माहौल ख़राब कर दिया। बीएचयू का माहौल पहले से ही ख़राब है, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं वहाँ पे, और उस माहौल को ठीक करने हम लोग गए थे। हम लोग छात्राओं की समानता के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे, तमाम सवालों पे कैंपस से लेकर कैंपस के बाहर तक आंदोलन चला रहे हैं। और कुलपति जी की, त्रिपाठी जी की प्रतिबद्धता कुल मिला के आरएसएस के प्रति थी, और उन्होंने इस अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए और इस मौके का दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए जस्टिस दीक्षित के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस कमेटी का कोई मांग नहीं थी। और दो दो कमेटियां यहां पे, जो मैं बार बार कहना चाहूँ, जो बनारस को जानती हैं, बीएचयू को जानती हैं, उनके साथ तथ्य नहीं आते हैं। तो दीक्षित साहब का मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी ने गलत इस्तेमाल किया अपना जो आरोप था उसको, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए, उसके लिए इतना ही कहना चाहूँ। इससे पहले भी मार्च 2017 में बीएचयू को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में फैलाए गए झूठ पर तब भी बहुत सी छात्राओं ने सच्ची गवाहियां दी थी। सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम जाती हैं, हाँ हमारी मर्जी है, कहीं हमारा प्रेजेंटेशन कम होता है, कहीं हमारा ज्यादा होता है। इट डिपेंड अपन मी, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, आई विल गो देयर एंड स्पीक माय सेल्फ। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मैं और सारी लड़कियां यहाँ रिस्पेक्टेड हैं, तो भेदभाव की कोई बात ही नहीं उठती है। नॉनवेज इश्यू तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो फिर कैसे बीएचयू से ये बात कैसे उठी कि बीएचयू में भेदभाव? कुछ लड़कियां, देखिए आप पहले एमएमवी की वो लड़कियां थी, वो पूरे बीएचयू की नहीं थी, वो एक पर्टिकुलर कॉलेज की थी, वो बीएचयू से ही, उनके वजह से आप पूरे बीएचयू को वो नहीं कर सकते। देश के एक बहुत ही क्रांतिकारी न्यूज चैनल के एक डिजाइनर पत्रकार ने बीएचयू के बारे में झूठी और एजेंडे वाली रिपोर्टिंग की और बीएचयू की छवि खराब करने की कोशिश की थी। न्यूज चैनल की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि बीएचयू पर आरएसएस का एजेंडा थोपा जा रहा है। ये भी दिखाया गया था कि बीएचयू में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें हॉस्टल में नॉनवेज भोजन नहीं दिया जाता। नॉनवेज की बात है तो जिनको खाना है वो खा सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है, मैस महाराज लोग बना के देते हैं। उनके मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है और लड़कियों के हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन जब हमने इस मामले में ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो हमें हकीकत कुछ और ही मिली। क्या आपको वाईफाई इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, 4 साल तक रहे, 5वां साल है मेरा, और कोई यहाँ पे रोक टोक भी नहीं है कि हाँ आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं सकती। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बीएचयू का सच हमने तब भी आपको दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं। अब आप खुद ये तय कर सकते हैं कि बीएचयू का माहौल कैसा है और उसे कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया।